में 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, पंजाब में भी मतदान खत्म हो गया। 6 बजे तक वोटिंग होनी थी। पंजाब में आपको बता दें 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 57.25% मतदान हुआ। आज तीसरे चरण का चुनाव मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा था। तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में था जिसमें 57.25% वोटिंग हुई है। वहीं पंजाब में 117 सीटों पर मतदान आज हुआ है 6 बजे तक, जिसमें 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ है। तो दो राज्यों में आज चुनाव हुआ। कुल 176 सीटें, 117 सीटें पंजाब की थी। पंजाब में एक ही चरण में चुनाव होना था और उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर का मतदान था आज, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस बीच जुड़ रहे हैं, आदर्श जुड़ रहे हैं मेरे साथ इटावा से, कुंदन मैनपुरी से मेरे साथ हैं और लखीमपुर खीरी से आकाश भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। एक खास रिपोर्ट आप देखिए आज के मतदान को लेकर। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दंगल का तीसरा राउंड पूरा हो गया। वोटरों ने 59 सीटों पर अपना फाइनल फैसला दे दिया है। यूपी की कई हॉट सीट्स पर आज मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की करहल सीट के साथ साथ कानपुर और कन्नौज में भी वोटिंग हुई। इसके अलावा फरुखाबाद और इटावा में भी मतदान हुआ। किस मुद्दे को लेकर आपने पहला? केवल राष्ट्रहित यानी विकास और महिला सुरक्षा पे। महिला सुरक्षा पे सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आज हमारी बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित है। विकास के मुद्दे को लेके हमने वोट किया है और सुरक्षा की जस्टिस है। सुरक्षा की जस्टिस है। आतंकवाद खत्म हो गया है इस सरकार से और बढ़िया सरकार चल रही है। कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बलात्कार, बेरोजगारी, अरे आप पे भी आएंगे मतलब बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पे हमने वोट करके आए हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और किसी भी सीएम की भाषा नहीं होती है कि बुलडोजर चढ़ा देंगे कि ठोंक देंगे, और ये भाषा नहीं है कि एक सीएम को ऐसे चुना जाए। मुलायम अखिलेश और शिवपाल समेत आज स्वतंत्र देव सिंह, सतीश महाना और सलमान खुर्शीद ने भी अपना वोट डाला। लेकिन आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर थी यादव लैंड से। प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक करहल सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सैफई में मुलायम परिवार ने वोटिंग की। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ अखिलेश यादव, डिंपल, शिवपाल और रामगोपाल यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यूपी में तीसरे चरण के मतदान के दौरान लोगों का जोश हाई दिखा। फिरोजाबाद में दूल्हा और दुल्हन वोट करने पहुंचे। इसके अलावा युवा और महिला वोटरों की लाइन भी लंबी थी। आपने आज वोट डाला, आपके लिए कौन से मुद्दे थे? क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए। देश का विकास हो, महिलाएं सुरक्षित हो। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था इस बार के चुनाव में? महंगाई जी। तो महंगाई कम थी, ज्यादा थी आपके लिए? नहीं, बढ़ गई है, बढ़ गई है। महंगाई के अलावा और कौन सा मुद्दा जिसको आधार बनाकर आपने वोट डाला? अब देखिए, वोट तो मैंने व्यक्ति विशेष पर ही डाला है जो हमारी झांसी में काम कर सके और बेटर कर सके। कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। दो पहलू होते हैं, तो चाहे कोई भी सरकार हो उसकी हर चीज तो 100% तो नहीं हो सकती। तो कुछ कुछ विषयों पे तो बहुत अच्छा काम किया है, और जैसे इन्होंने बोला कि महंगाई नहीं पूरी तौर पे अभी कंट्रोल में आई है, खैर उसका कारण थोड़ा कोविड भी है, तो इन सब को देखते हुए जो है वो वोट हमने दिया। आप तो युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा था? जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमेशा की तरह लॉ एंड ऑर्डर और एम्प्लॉयमेंट का ही रहेगा मेरे लिए। प्लस यहाँ पे तो मैं व्यक्ति विशेष को देख के वोट दूंगा, क्योंकि एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आप अपने MLA को पहले अप्रोच करेंगे, आप राष्ट्रीय लेवल पे नहीं कर सकते। कानपुर और एटा समेत कई पोलिंग बूथ पर EVM खराब होने की वजह से मतदान बाधित हुआ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कन्नौज और कानपुर में धीमी वोटिंग का आरोप लगाया।
हालांकि तीसरे चरण के मतदान में किसी तरह के झड़प की खबर नहीं आई और इसी के साथ यूपी में तीसरे चरण की 59 सीटों को मिलाकर कुल 172 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो यूपी में 5 बजे तक 57.25% मतदान कुल हुआ है। मैनपुरी की बात करें तो 5 बजे तक 60.82% मतदान हुआ। महोबा में 62.01, कानपुर में 50.88% मतदान हुआ। ये 5 बजे तक का हम आपको फीसद बता रहे हैं, प्रतिशत बता रहे हैं, मतदान प्रतिशत। कासगंज में 59.18%, हाथरस में 58.95%, 57.42%, औरैया में 63.55%, एटा में मतदान हुआ 58.33%, इटावा 54.55%, फरुखाबाद 57.35%, फिरोजाबाद 57.89%, हमीरपुर में मतदान हुआ है। जालौन में 53.87% मतदान हुआ। झांसी में 57.52% मतदान हुआ है। कन्नौज में 60.20% मतदान हुआ। ये शाम 5 बजे तक का फीसद हमने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आदर्श अपने सहयोगी के पास जा रही हूँ, और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। आदर्श, इटावा की बात कर लें तो यहाँ की हॉट सीट जसवंत नगर, जहां से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और विवेक शाक्या बीजेपी की तरफ से उतारे गए, 12 लाख के करीब मतदाता यहां से और 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं लोग। तस्वीर अभी क्या है और इटावा से प्रतिशत क्या रहा मतदान प्रतिशत? हम बात करें तो इटावा और भरसना और इसके साथ ही साथ जसवंत नगर तीन विधानसभा सीटें आती हैं। करहल जो है वो दूसरे जिले में आती है। अगर हम तीनों सीटों की बात करें तो पिछले बार के समीकरण को देखें तो बीजेपी के लहर जो चली थी उसमें 2 सीटें भरसना और इटावा सदर जो है वो बीजेपी ने जीती थी। जसवंत नगर निश्चित तौर पर शिवपाल यादव ने जीती थी और इस बार की जो बात है उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार यादव लेन जो कहा जाता है, जहां पर यादवों का वर्चस्व रहा है, मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का वर्चस्व रहा है, वहां पर कुछ समीकरण जरूर बदले हैं पिछले 5 सालों में। और उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव एक हुए हैं, यानी उनके परिवार में जो दूरियां थी चुनाव से ठीक पहले उसका नुकसान हुआ था और इसी वजह से कुछ सीटें बीजेपी ने वहां पर जीती थी। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। इस बार जो है शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव एक परिवार हो गए हैं, यानी फिर से मिल गए हैं। ऐसे में बीजेपी को थोड़ा नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन बीजेपी की कोशिश यह है कि वो उन 2 सीटों को कम से कम मेंटेन करके रखे, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर जसवंत नगर में हमने जितने भी मतदाताओं से बात की, जितने भी लोगों से बात की, उनका रुझान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ही दिख रहा था और उसका होना भी जायज है, क्योंकि वो पूरा यादव लैंड और यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव के परिवार। ठीक है आदर्श, जल्दी से मैनपुरी चले जाते हैं। कुंदन वहां से मेरे साथ जुड़ गए। कुंदन, मैनपुरी की करहल सीट वन ऑफ द हॉट सीट, अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में है, वहां की जनता से बात करके आपको क्या समझ आया? जोशना, बिल्कुल अंडरस्टैंड है अगर आकर क्यों चुना, ये बात अपने आप में तय करती है। और वो लोग भी बता रहे थे कि आखिर करहल से अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ते हैं। पहले हम मत प्रतिशत की बात कर लें, 60% 5 मई तक हो गया और मुझे लगता है 4-5% के करीब और जाएगा, जो कि बीते चुनाव के तुलना में बराबर के करीब है। और बीजेपी की अगर बात करें तो पूरे 4 सीटों में एक भोगांव की सीट थी जो कि बीजेपी के पास थी, जिसके नाम नरेश अग्निहोत्री जो कि मौजूदा मंत्री थे, इस बार उनका मुकाबला भी टाइट लग रहा है। सो कुल मिलाकर इस चुनाव में हम जिस इलाके में थे, खासकर मैनपुरी का इलाका, जैसे हमारे सहयोगी आदर्श बता रहे थे कि जाट लैंड की तरह, जैसे यहाँ यादव लैंड कहा जाता, मुलायम सिंह परिवार का दबदबा है। और न केवल मुलायम सिंह परिवार बल्कि उनके बेटे, उनके पोते, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके चचेरे भाई, पूरा प्रभाव है। खासकर करहल में तो उनके गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी का वो इलाका है जहाँ जैन इंटर कॉलेज में खुद पढ़ाई किए थे, इसके बाद पहली नौकरी भी किए थे, तो एक अच्छा खासा प्रभाव है। और वो प्रभाव आज के वोटरों के रुझान में दिख रहा था। आप मोटे तौर पे जो भी मुद्दों की बात करें, 3-4 मुद्दे घूम फिर के आ रहे थे, जो कि मुद्दे सपा ने लगातार इस चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में बहुत जोर शोर से उठाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज नहीं है, है। ये जरूर है कि बहुत साइलेंट है, है। वो डरा हुआ है या चुप है या बहुत साइलेंटली तरीके से अपनी पोजीशनिंग करता है। लेकिन जिस तरीके का इतिहास रहा है और जिस तरीके का मौजूदा माहौल है, बिल्कुल उनके लिए ये इलाका खास
कर एज है उनके लिए ये इलाका बढ़त की ओर आप कह ठीक सकते है कुंदन, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। आकाश, रंजीता पुलकित आपके पास भी आऊंगी, इससे पहले जरा हम सुना दें किस तरह उत्तर प्रदेश में वार पलटवार जारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है चौथे चरण का चुनाव भी नजदीक है और उसके लिए प्रचार हो रहा है। अखिलेश यादव ने आतंक के मुद्दे को लेकर क्या वार किया और मोदी योगी ने क्या पलटवार किया, सुनिए। अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से चलती है, आपके साथ भी फोटो आई, स्ट्रेटेजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? इनमें से एक आतंकवादी का पितामह बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादी क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। और जल्दी से अब लखीमपुर खीरी का हम रुख कर लेते हैं। आकाश वत्स मेरे साथ जुड़े हैं। आकाश, भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना दुर्ग बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है, ऐतिहासिक जीत मिली थी 2017 में, अभी लोगों से की आप नब्स टटोल रहे हैं, क्या कंगाल पा रहे हैं? और ये जो आतंकवाद का मुद्दा है, नेताओं ने आतंकवाद का मुद्दा जो उठाया है, ये कितना अहम रहने वाला है? ज्योत्सना, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं लखीमपुर के गुरु गोविंद सिंह चौक पर हूं और सबसे पहले यहां की तस्वीर देख लीजिए। बीजेपी के सदर से जो विधायक के लिए कैंडिडेट हैं योगेश वर्मा, उनकी रैली निकल रही है और ये वो रोड शो है जिसके लिए कहा जा रहा था कि यहां के सांसद अजय मिश्र टेनी खुद इस रैली में शामिल होंगे, इस रोड शो में शामिल होंगे, लेकिन वो अब तक इस रोड शो में शामिल नहीं हुए हैं। आज लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी 5 रैली थी, उनकी 5 जनसभाएं थी और उन जनसभाओं में भी कहीं भी अजय मिश्र टेनी खुद नहीं पहुंचे। फरधान, मितौली, ढकेरबा, गोला, मोहम्मदी, सबसे पहले ढकेरबा पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, उसके बाद उन्होंने आगे एक एक करके सब रैली को संबोधित किया। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं कुल यहाँ लखीमपुर खीरी में और उसमें से 5 रैली एक दिन में योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये साफ तौर पर समझने के लिए काफी है, एक संकेत है कि बीजेपी के लिए लखीमपुर खीरी कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अजय मिश्र टेनी यहाँ से सांसद हैं और आज उन्हें इस रोड शो में आना था, वो नहीं आए और किसी भी मंच पर, योगी आदित्यनाथ के किसी भी मंच पर आज वो नहीं देखे गए जो 5 जनसभाएं थी। और यहाँ ये कहा जा रहा था कि वो आएंगे और उनके नाम पर ही समर्थकों की काफी भीड़ भी जुटी थी, हमने लोगों से बातचीत भी की, लेकिन यहाँ कोई भी अब तक खुद अजय मिश्र टेनी नहीं आए हैं। आज हम लखीमपुर खीरी के अलग अलग हिस्से में भी गए, अलग अलग लोगों से बात की, बातचीत करने से हमें जो पता चला वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ सब कुछ बहुत आसान नहीं है। यहाँ जो मतलब बड़ी चुनौती है, ठीक है आकाश, मिली थी आप, वो इस बार बहुत आसानी से बीजेपी के, आप नजर बनाकर रखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के सामने रखते रहिए। रंजीता पुलकित का भी रुख करेंगे, बात पंजाब की। पंजाब में भी मतदान आज हुआ है 117 सीटों पर, दिग्गजों की किस्मत का फैसला वहां की जनता ने कर दिया है, क्या होगा 10 मार्च को पता चलेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब के 117 सीटों पर वोटरों ने उम्मीदवारों की किस्मत लॉक कर दी है। लंबी कतारों में लोग मतदान केंद्रों के सामने जुटे और पंजाब के रण का फाइनल डिसीजन तय कर दिया। पंजाब से फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ हैं,
किन किन मुद्दों को सोचकर आप यहाँ वोट डालने आए? आपने वोट डाल दिया, मैंने देख लिया। हाँ जी जी, मैंने कि हम एक अच्छी पार्टी चूज कर सके आगे के लिए, जो कि हमारे इसको रूल करे और हमें मतलब एक अच्छी मतलब सब कुछ दे सके, मतलब कि इसलिए मैंने इनको चूज किया। आजकल हमने एजुकेशन डेवलपमेंट, बेरोजगारी, नशा मुक्ति, ऐसे इश्यूज को लेकर हमने वोट किया है। आपने किस इशू पे वोट किया? हमने इस इशू पर वोट किया है क्योंकि आज के युवा नशे में बहुत चले गए हैं। हम चाहते कि अच्छे काम हो, एजुकेशन में सुधार हो, एजुकेशन पेपर्स में सरकार को कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि युवा को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। उनको अगर यहीं काम मिलेगा तो वो बाहर नहीं जाएगी। इसलिए महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, यहां तक कि दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग किया। पंजाब में सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वोट डालने से पहले दिग्गजों ने पहले मत्था टेका और फिर वोटिंग करने निकले। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोगा में मत्था टेका। मोहाली में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी गुरुद्वारा में मत्था टेका। मोगा से कांग्रेस के उम्मीदवार सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने भी वोटिंग से पहले गुरुद्वारे में दर्शन किए। इस बीच मोगा में एक और विवाद हुआ। एक्टर सोनू सूद की कार को रोका गया, थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सोनू सूद पोलिंग बूथ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। थाने में बुलाकर उन्हें मोगा पुलिस ने घर पर रहने की हिदायत के साथ भेज दिया। पंजाब में आज सभी दिग्गजों ने अपने वोट डाले। पंजाब के मुक्तसर में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी वोट डाला। साथ ही पिता प्रकाश सिंह बादल और बेटी भी साथ मौजूद थे। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ने भी चमकौर साहिब से वोट डाला। वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पत्नी और परिवार के साथ पटियाला में वोट डालने पहुंचे। भगवंत मान, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्डा ने आरोप लगाया कि अजनाला सीट के बूथ नंबर 59 को कुछ बदमाशों ने कैप्चर कर लिया। आरोप ये भी है कि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ मतदान केंद्र के बाहर शराबियों ने गुंडागर्दी की। राघव चड्डा ने अटारी और सनौर में ईवीएम खराब होने की खबर भी दी। इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर में एक पोलिंग बूथ पर झड़प की खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मौके पर पहुंची थाना सिटी पुलिस ने आपस में मारपीट कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और दो सहयोगी मेरे पंजाब से भी जुड़े हैं। रंजीता झा मेरे साथ पटियाला से हैं, पुलकित नागर मेरे साथ मोहाली से हैं। पंजाब में देखिए 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ है। पुलकित, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। पुलकित, जानकारी मिल रही है कि मोहाली में बहुत धीमी रही है रफ्तार मतदान की, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अगर मोहाली को समझे तो बहुत पॉश एरिया है। पिछली बार 2017 के चुनावों में भी ये देखा गया था। हालांकि अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो 2017 के चुनावों में पंजाब ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था और तमाम लोग उम्मीद जता रहे थे कि 6 बजे तक ये पिछले 2017 वाला रिकॉर्ड टूटेगा जो 67% था, और 5 बजे तक जो पंजाब के अंदर वोटिंग हुई वो 63.44 हुई है। एक चीज़ जो पंजाब के अंदर नज़र आई आज, क्योंकि पंजाब का जो इलेक्शन था, चुनाव था, वो सबसे पहले हॉस्पिटल और स्कूल के मुद्दे से शुरू हुआ था और लास्ट में अगर हम बात करें तो खालिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुद्दों की एंट्री पंजाब चुनावों में हो चुकी थी। लेकिन आज जब वोटिंग करने के लिए लोग आ रहे थे, उनसे जो भी बातचीत हो रही थी उसमें वो ज़्यादातर लोग एक बदलाव की बात कर रहे थे, और जो बदलाव शराब और हॉस्पिटल को लेकर था, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ नजर आता, और अगर चुनाव के समीकरण को समझे तो वो नजर भी आया आज के वोटिंग के दौरान। तमाम जो लोग थे, तमाम जो नेता थे, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट पंजाब की राजनीति में किया गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। चन्नी पर भरोसा कांग्रेस ने जताया, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान पर, जो पुराने उनके नेता हैं, 2017 में भी पार्टी के साथ थे और पार्टी का वर्चस्व अगर पंजाब में किसी ने बचाया तो वो भगवंत मान थे, तो उनके ऊपर पूरी तरीके से पार्टी ने भरोसा किया है। अब तक की वोटिंग और तमाम जो बातचीत है वो ये बताती है कि आम आदमी पार्टी को काफी बढ़त इन चुनावों में होती हुई नजर आ रही थी। जी, पटियाला की भी जो लड़ाई थी वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए 20 साल से अमरिंदर सिंह का दबदबा है इस सीट से। रंजीता ने लगातार
बात भी की है कई बड़े दिग्गजों से, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। रंजीता और पटियाला की हवा किस ओर आपको नजर आ रही है, कितना फीसदी मतदान हुआ वहां? जिसना देखिए, पंजाब का हाल बताने के लिए मैं पंजाब की ही तस्वीर, जो अमूमन जो पंजाब की जब कल्पना करते हैं जो तस्वीर दिखती है वो पीछे जो खेत है वो दिखता है, पंप दिखता है, और किसान जो किसान आंदोलन के बाद से नाराज लग रहा था और किसान इस बार पहली बार चुनावी मैदान में भी हमें दिखा, तो वो सारी तस्वीरों को समेटे हुए हम पंजाब का हाल आपको बताएंगे। न सिर्फ पटियाला बल्कि 117 सीटों पर जो आज वोटिंग हुई है वो पंजाब में अब तक जो राजनीति रही है उससे बहुत अलग राजनीति रही। राजनीति इसलिए अलग क्योंकि जो पार्टियां आपस में दिखी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र हम कर रहे हैं, पटियाला से वो चुनाव इस बार भी लड़ रहे हैं, चार बार विधायक रहे हैं, उम्मीद उन्होंने आज भी जताई कि अपना किला वो बचा लेंगे। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके पूरे परिवार का यही कहना है कि कैप्टन जो है वो कम से कम पटियाला के कैप्टन तो बन कर रहेंगे, लेकिन आगे की स्थिति क्या रहेगी। राहुल गांधी ने एक दलित चेहरा आगे करके पंजाब की राजनीति में जो जातीय समीकरण था उसको एक बार फिर जिंदा किया। देखना होगा कि ये दाव जो कांग्रेस पार्टी ने एक दलित चेहरे को लेकर जो खेला था उसमें कितना कामयाब होंगे। वोटरों ने अपना वोट जो है और जो बड़े दिग्गज है उनके जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम को दे दिया है। कई जो वोटर है वो भी हमारे साथ हैं। अब तो वोटिंग हो गई, क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये समर्थन ये तो शहर में पड़ता है ना हमारा, यहाँ पर तकरीबन सारी पार्टियां बराबर चल रही हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शहरों में वोट कम डाले गए और गाँव में ज्यादा रुझान दिखा, लोग ज्यादा वोट डालने के लिए बाहर निकले। मैडम थोड़ा गाँव वाले होते हैं ना जो होते हैं भी, जैसे इमोशनल बंदे होते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा उसमें लेते हैं काम को, तो इसका ही फर्क होता है। जो शहरी होते हैं वो थोड़े अपने कामकार में बिजी रहते हैं। तो दिग्गजों की किस्मत का फैसला पंजाब वासियों ने भी आज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित, रंजीता आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मेरे सहयोगी पुलकित नागर ने खास बातचीत की है आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान से। सुनिए आप। बहुत भावुक क्षण होता है जब आप इतना बड़ी कैंडिडेट के लिए लड़ रहे हैं, सीएम कैंडिडेट आपको डिक्लेयर किया गया है, पूरे पंजाब में घूम रहे हैं, अपनी माँ के पास आज पहुँचे हैं। इसी घर से मैं शुरुआत हुई थी जिंदगी की, यहीं पे गिर गिर के उठना सीखा, चलना सीखा, साइकिल सीखा, स्कूटर पे आए, फिर आर्टिस्ट बन गए, कारें भी आ गई, तो इसी घर से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। आपको अभी क्योंकि वोटिंग काफी देर से चले, क्या रुझान आप तक पहुँच रहे हैं, किस लेवल पे आप? अच्छा, चल रही बहुत भारी संख्या में वोटिंग हो रही है। पंजाब के लोग शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा कर रहे हैं। भगत सिंह जी ने आजादी लेके दी, बाबा साहब ने आजाद भारत का संविधान लिखा, संविधान में वोट का हक है, वोट डालने का हर एक को, तो लोग वोट कर रहे हैं तो समझ लो बाबा साहब को और शहीद आजम को नमन हो रहा है। अच्छा, आप पूरे पंजाब में घूम रहे थे, अब माँ के पास पहुँचे हैं, तो कोई विशेष डिमांड है क्या कि आज ये बना के खिलाना? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं फिर और बूथ पे जाना है, मम्मी भी दूरी के बहुत से बूथ पर गई थी, तो आज 6 बजे तक वोटिंग है और मुझे लगता है कि पंजाब के लोग जो है वो इस बार नई कहानी लिखे। अच्छा, सब देख रहे हैं आपको, तो माँ के हाथ का क्या बना हुआ आपको पसंद है, मतलब कौन सी चीज ऐसे लगता है आपको कि चंडीगढ़ से इधर आके माँ से मिल लूं, ये खा लूं, दिल्ली से यहाँ पे आके माँ से मिल लूं, ये खा लूं, क्या चीज पसंद आती है? जो भी बनाती है ना वो खाना पड़ता है, अगर नहीं भी अच्छा लगे ना तो खाना ही पड़ता है, वरना वो कहते हैं कि माँ की पंजाबी में माँ दिया काला क्यों दिया नाला। अभी भी कभी कभार डांट लगा देती है अगर कहीं लगे कि गलती कर रहे हैं? नहीं, कब से डांट नहीं लगाई? कब से डांट नहीं लगाई इन्हें? बहुत चिर हो गया हमसे। अब मैं सयाना हो गया। आप एक रिपोर्ट देख रहे थे, भगवान मान से पुलकित बात कर रहे थे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, आप टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। मुख्यमंत्री निवास पर आने अपने आप में दिखाता कि क्या उन्होंने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था। आज अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों के मुकदमे भी गिराने का प्रयास 2013 में किया था। कोर्ट ने कहा आज आतंकवाद के चार्ज हटाओगे, कल क्या पद्म विभूषण दोगे, ये कोर्ट ने कहा है। ये प्रयास अखिलेश जी पहले भी करते रहे,
आतंकवादियों को संरक्षण देने का, अपराधियों को संरक्षण देने का और वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने का। चूंकि अब लड़ाई पूर्वांचल में पहुंच गई है और मध्य यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम है, तो क्या आंक रही है बीजेपी इस मध्य यूपी के बारे में? मैं यही कहूंगा, कोई भी क्षेत्रों सातों के सातों फेंस पे भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट लेगी, 300 पार करेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। 43 लाख पक्के घर बनाकर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, 1.86 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, और यही नहीं, हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की शुरुआत की। 15 करोड़ परिवारों को हमने राशन महीने में 2 बार मुफ्त देने का काम किया है। 5 लाख का इलाज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में देने का काम किया है। आगे भी करेंगे, यही हम करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, क्योंकि अखिलेश यादव चुप्पी साध गए हैं जब बात अहमदाबाद ब्लास्ट और उसके एक आतंक के अखिलेश यादव से संबंध की हो रही है। कैमरामैन मनीष दंदानी के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ, नव भारत, लखनऊ। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर को, अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है आतंकी कनेक्शन को लेकर। उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा, कल भी अनुराग ठाकुर ने तस्वीर साझा करते हुए निशाना साधा था। ये तस्वीर थी अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस आतंकी का नाम सामने आया उसके पिता का अखिलेश यादव के साथ में तस्वीर साझा की। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाने साधे, सभा के दौरान सुनिए। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं, ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था, 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया, 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे, 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक एक करके नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लखनऊ में आज तो टंडन जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सर, आज पश्चिम से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज में मध्य यूपी तक आ गई है। आओ देखिए, आया यहाँ पे आ जाओ ना भाई। दो फेज के बाद लड़ाई तीसरे फेज में आ गई और मध्य यूपी तक। शुरुआत भी शानदार हुई है और ये पारी भी गजब की होगी, 300 पार होगी। मोदी जी योगी जी की जोड़ी 2017 में 2019 में
प्रदेश में और देश में 300 पार किया, तिहरा शतक लगाने के लिए फिर एक बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आज अखिलेश यादव सैफई में भी पारिवारिक एकता का संदेश दे रहे थे। देखिए, जो अपने चचा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, शिवपाल जी को वो बस में भी कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं थे। जिनके परिवार के लोग छोड़ के जाते हो, बहू बेटियां भाजपा में सुरक्षित महसूस करती हो, वो समाजवादी पार्टी जिसकी रैली में महिलाएं नजर ना आती हो, उनके ही परिवार की ना आती हो, ये अपने आप में दिखाता है महिलाएं उनके राज में कभी सुरक्षित ना थी, ना है, ना होंगी। महिलाओं का मान सम्मान और सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया। अच्छा, हमने देखा पश्चिम में कैराना, मुजफ्फरनगर, अब अहमदाबाद का कनेक्शन आजमगढ़ से जुड़ा, और आजमगढ़ में जो आतंकी था उसके परिवार का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ा, और उस पर अभी अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं। समाजवादी के तार सीधे बम धमाकों से जुड़े हैं। सपा की साइकिल बहुत कुछ कहती है। अहमदाबाद बम धमाकों में साइकिलों पर बम रखे थे, और जो मास्टरमाइंड था वो समाजवादी पार्टी का नेता के परिवार का लड़का अखिलेश यादव, और आतंकी के पिता की फोटो मुख्यमंत्री निवास पर आनी अपने आप में दिखाता कि क्या उन्होंने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था। आज अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों के मुकदमे भी गिराने का प्रयास 2013 में किया था। कोर्ट ने कहा आज आतंकवाद के चार्ज हटाओगे, कल क्या पद्म विभूषण दोगे, ये कोर्ट ने कहा है। ये प्रयास अखिलेश जी पहले भी करते रहे, आतंकवादियों को संरक्षण देने का, अपराधियों को संरक्षण देने का, और वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने का। चूंकि अब लड़ाई पूर्वांचल में पहुंच गई है और मध्य यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम है, तो क्या आंक रही है बीजेपी इस मध्य यूपी के बारे में? मैं यही कहूंगा, कोई भी क्षेत्र सातों के सातों फेस पे भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट लेगी, 300 पार करेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। 43 लाख पक्के घर बना कर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन दिए, 1.86 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, और यही नहीं, हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की शुरुआत की। 15 तो आपने देखा किस तरह से चुनावी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन खास तौर से अब आने वाले जो बाकी के चरण हैं उस पर आतंक और आतंकवाद का मुद्दा जमकर गरमाया हुआ है। मेरे साथ में मुजफ्फर खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस से अजय वर्मा मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मुजफ्फर खान साहब, आपको लगता है कि एक बार फिर से जब आतंक की बात हो रही है और खासतौर से आतंकियों का अबू जान, और ये कहा जा रहा है कि आतंकियों का अबू जान सपा का भाई जान है, इसीलिए बंद है जुबान? देखिए, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की जनसभाओं में जो सैलाब उमड़ करके देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो उनकी नींद उड़ गई है। और जो आतंकवाद और संविधान और देश के कानून की बात करते हैं, ये वही लोग हैं कि जिनके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर गंभीर धाराओं में लगे हुए मुकदमे वापस ले लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने ठाकुर प्रज्ञा सिंह को, जो जमानत पे बाहर हैं आतंकवादी घटना में, उनको पार्लियामेंट का टिकट देके लोकसभा भेजने का काम किया। ये लोग वही लोग हैं कि जो मियां मुशर्रफ और मियां मुशर्रफ कह के बिना बताए देश को, बिना बताए, बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। तो इन लोगों के झांसे में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार आने वाली नहीं है। लेकिन मुजफ्फर खान जी 2007 का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया, और उन्होंने यहां तक कहा कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2012 में अपने घोषणा पत्र में, और विशेष तौर से जो अपना चुनावी घोषणा पत्र था उसमें आतंकियों के केस वापस देने का वादा किया था, और उनकी कोशिश भी थी, उन्होंने तो अपनी तरफ से खत्म किए भी मामले, भले ही कोर्ट के बाद में उन्हें फटकार मिली। आतंकियों का संरक्षण देते हैं, ये आरोप बीजेपी का है। वो 2007 की बात कर रहे हैं, हम अभी योगी सरकार की बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो विकास दुबे ने हमारे 9 वीर जवानों को शहीद कर दिया, क्या वो आतंकी घटना थी या नहीं थी? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे 2019 से पहले, और पुलवामा के अंदर जो हमारे 42 जवान सेना के शहीद हुए, क्या उनके परिवारों को ये सरकार इंसाफ दे पाई आज तक?
ये बिल्कुल कोदा झूठ बोलते हैं ये जुमलाबाज लोग हैं। आज आज की बात आज जो जरूरत है ना कि मामले वापस लेने की का वादा था और मामले वापस लिए भी गए थे 2013 में मामले वापस लिए गए थे। देखिए समाजवादी सरकार में ये लोग केवल समाजवादी सरकार और आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर उनके दामन को दागदार करने के लिए ये अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक दल जो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, वो राजनीतिक दल जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद में जब आरोपियों की सजा की बात हुई तो उसके बाद में आंसू बहाते हैं, वो राजनीतिक दल यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, उनका सीधा निशाना कांग्रेस पर था। देखिए सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री एक बड़े संवैधानिक बड़ा देश है, भारत देश को कहां तक 10 ट्रिलियन की हम बनाए, जीडीपी आज रसातल में पहुंच गई। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते, व्यापार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते, एक सुनार एक ज्वेलर छोटा व्यापारी है उसका व्यापार खत्म होगा उसकी बात क्यों नहीं करते। ये कहां से बात आती है गुंडों की, गुंडई की, मुद्दों की, पाकिस्तान की, आतंकवाद की, हिजाब की? अरे भाई मुद्दों की लड़ाई लड़िए आप। आतंकवाद की अगर बात करेंगे तो मेरे भाई ने भी कहा कि 42 जवान हमारे शहीद हो गए, उनके बदले 420 आज तक नहीं आए, वो आतंकवादी घटना नहीं थी, आज तक आरडीएक्स का पता नहीं चला कहां से आया। मेरा अनुरोध ये है चुनाव में उत्तर प्रदेश से देश की दिशा और दशा तय होती है। आपने पिछले 5 साल में क्या आपका रिजल्ट रहा है, आपने कितने गड्ढे मुक्त करे, कितने अपराधी युक्त करे, आपके हिसाब से तो अपराधी जेल में है तो जीरो होना चाहिए। आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश में कि पिछली सरकार में आपने 5,000 बलात्कार हुए, 5,000 मारे, मेरी सरकार में 4,000 हुए। शर्मनाक बात है संवैधानिक पद पर बैठकर आपको यह कहना चाहिए कि हमारी सरकार में, बीजेपी की सरकार में जीरो अपराध हुआ है, जीरो बलात्कार हुआ है। इसका जवाब मेरे साथ में अभी बीजेपी के जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं, अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनसे हम जानेंगे। लेकिन मुजफ्फर खान जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज सिर्फ आज प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खासतौर से अहमदाबाद ब्लास्ट का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा, आतंकी मोहम्मद सईद के जो पिता हैं शादाब अहमद उनका कनेक्शन, उनकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साझा की थी और उसमें सीधा कनेक्शन सामने लाने की बात कही थी। जी आप बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने किया है। जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज सवाल शादाब पे उसके पिता पे कर रहे हैं के मंत्र के साथ इस सब का विश्वास और सबके प्रयास का यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। अस्सी बनाम 20 का यह चुनाव बन चुका है, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 20% में बसपा सपा और कांग्रेस में बंटवारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के से प्रदेश में सरकार बना रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लखनऊ में सीएम योगी रोड शो कर रहे थे। मुजफ्फर खान जी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा है सीएम योगी का और उनका कल भी उनका निशाना था आतंकवाद का संरक्षण करने वालों को, एक बार फिर से जनता मजा चखाएगी और बाहर का रास्ता दिखाएगी, यहां तक कहे कि साइकिल पर बम ले जाया जाता था। देखिए मैडम ये बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जहां तक सवाल पिता और पुत्र का किया योगी आदित्यनाथ जी ने, बेहतर होता कि उन्हीं के सूबे के अंदर 4 किसानों को लखीमपुर खीरी के अंदर एक वो नेता बीजेपी का कि जो पहले वीडियो जारी करता है वो देश के अंदर सम्मानजनक पद पर बैठे हुए हैं, बेहतर होता कि वो उस वीडियो को सुन लेते एक बार योगी जी और मोदी जी से कहते कि मोदी जी जिस तरह से किसानों को कुचल करके अपनी जीप के तले हत्या की है, ऐसे ऐसे अपराध के लिए इसके पिता को सजा मिलनी चाहिए, इनको हटा देना चाहिए,
ये दरअसल ठीक है मुजफ्फर जी, मेरे साथ इस समय बीजेपी से राजीव जेटली जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजीव जी लगातार मेरे साथ में दो साथी मौजूद हैं, मुजफ्फर खान जी समाजवादी पार्टी से, अजय वर्मा जी कांग्रेस से। इनका आरोप है कि सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा लाकर एक तरह से ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, मूलभूत मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही बीजेपी। कितनी हैरानी की बात है, आपने एक शब्द कोट किया, सिर्फ आतंकवाद। सिर्फ आतंकवाद को छोड़ के हम किसी भी मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं, ये राजनीतिक पार्टी ये कहना चाहते हैं। सिर्फ आतंकवाद, सिर्फ आतंकवाद जो हजारों लोगों की जान ले लेता है, जो दुनिया के लिए एक समस्या बना हुआ है, जिस समस्या के लिए हमारी प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी अपना योगदान दे रहे हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए, और वो राजनीतिक पार्टी हमें कह रही है कि सिर्फ आतंकवाद। कितनी हैरानी की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता ये देख रही होगी किस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता आतंकवाद को सिर्फ का नाम दे रहे हैं। बहुत मामूली सी बात हो सकती है इनके लिए, इसीलिए आतंकवाद। जी मुझे आप ये जवाब दे दीजिए प्रदेश और देश में कि कश्मीर में आपने कहा था अपराध जीरो हो जाएंगे। भारतीय सेना की रिपोर्ट ये है कि सबसे ज्यादा युवा इस बार कश्मीर में आतंकवाद की तरफ बढ़ा है। रिपोर्ट ये है इंडियन आर्मी की कि सबसे ज्यादा फौजी शहीद आपके कार्यकाल में हुआ है। आपको आंकड़े बताऊं राजीव जी, आप तो सम्मानित बीजेपी के एडवोकेट भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, और सुन लीजिए, कश्मीर में कोई घटनाएं रुकी नहीं है, आपके हिसाब से तो जीरो हो जानी चाहिए थी, सिवाय इसके आपके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हम इन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देश की स्थिति कहां पहुंच गई, व्यापार की स्थिति कहां पहुंच गई, जीडीपी कहां है, महंगाई उच्चतम स्तर पर है, सरसों का तेल 220 रुपए, गैस सिलेंडर 1000 रुपए, पेट्रोल डीजल 100 रुपए क्रॉस, और सुन लीजिए आप, ये सारे किसान भूखे मर रहे हैं, 750 किसान मर गए, इनकी आत्मा को श्रद्धांजलि नहीं मिली, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो, यूपी का, हाँ गुजरात के किसान की हमें नहीं पता, उसकी दुगनी हो गई हो, आए तो है, लेकिन कहा था 2022 में भाइयों बहनों मित्रों हम किसानों की आज दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक जेटली साहब दुगनी नहीं हुई। हम तो केवल इतना चाहते हैं आप सारे मुद्दे छड़िए, आप सरकार बनाइए, आप 500 सीट जीतिए 400 की जगह, लेकिन हमें इस देश को रोजगार दो, व्यापार दो, महंगाई कम करो, सरसों का तेल हमें पुराना 60-70 रुपए ला दो। अगर आप गलती से जीत जाएंगे, वर्मा जी आपको आप ये तो मूलभूत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, लेकिन आपको लगता है अहमदाबाद ब्लास्ट का जब अगर ये पूरा अगर तस्वीर सामने आई और जो बातें अभी देखी गई, आपको लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले जो चरण है उनके मतदानों पर? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अहमदाबाद के ब्लास्ट पे आपने चर्चा करी, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने ऊपर मुकदमे, अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे, सारे मुकदमे इन्होंने खुद वापस, आज तक ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री अपने ऊपर के मुकदमे, 11 मुकदमे थे इनके ऊपर भी, मुकदमे वापस ले लिए, जनता के मुकदमे वापस, ये मैंने ही कह रहा, योगी साहब के उसमें आप पढ़िए, जो लोकसभा के चुनाव में जब डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरे ऊपर मुकदमे, वो मैं भेज सकता हूँ आपको। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दोहरे रवैया अपनाने का आरोप है विपक्ष की, बेटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर बैठ रही हैं बेटियां, पढ़ने ही नहीं है। राजीव जी अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो कुछ कहेंगे अजय जी के सवालों का, क्योंकि दोहरा रवैया अपनाने की बात कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक नया पैंतरा है बस ये। देखिए मैं तो बीच में चुप हो गया था, मुझे लगा था आपने शायद किसी और से प्रश्न पूछा है जी, इसलिए मैं चुप हो गया था कि मेरा शायद बात पूरी हो चुकी थी जी, क्योंकि मेरी बात पूरी हो चुकी बात कही है बात। नहीं नहीं मुझे लगा था कि मेरी बात पूरी हो गई है, नहीं, मैं नहीं, तो सिर्फ आतंकवाद से कह रहा था, पूरा देश ध्यान से सुन रहा है कि सिर्फ आतंकवाद। मोहन शर्मा जी की धर्म पत्नी आज तक इंतजार कर रही है कि शायद कांग्रेस आके मुझसे क्षमा मांगेगी जिन आतंकवादियों ने उनको शहीद किया था, लेकिन शर्म देखिए बिल्कुल जूतों के नीचे रखी हुई है इन्होंने। आज तक एक भी कांग्रेसी प्रवक्ता ने, एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि हमसे हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमसे भूल हुई, हम आतंकवादियों के साथ खड़े हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी पार्टी के ऑफिस लीडर, आपके पदाधिकारी इस देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, तो उस पर ये बताते हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के जब डिप्लोमेट्स इंडिया में आए थे तो भारत के लोग उनसे क्यों मिले थे, कोई 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 समझौता, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं दोनों बातों का,
कोई रिलेशन नहीं आ पाया। लेकिन राजीव जी, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी विपक्ष ये भी कह रहा है कि तीन जो अभी जो चरण के मतदान हुए, बदमाशों से क्या कनेक्शन है? ठीक है, ठीक है राजीव जी, कहा जा रहा है कि जो तीन चरणों के मतदान हुए उसमें बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए आतंकवाद का जुर्म निकाला है आगे के चरणों के मतदान के लिए। हत्या का पता नहीं चला, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच में इनकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं। अजय जी, अजय जी सवाल पूछने दीजिए। राजीव जी, विपक्ष का ये आरोप है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए आतंक का एक नया मुद्दा निकालकर आने वाले जो चरण है उनको साधने की कोशिश कर रही है पार्टी। तो बोल दीजिए, अपने मैनिफेस्टो में इनसे लिखवा दीजिए कि आतंकवाद के मुद्दे को छोड़कर किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारी राजनीतिक पार्टी इनसे संवाद करने के लिए तैयार है। लिखवा दीजिए इसके इनके मैनिफेस्टो में, बुलवा दीजिए इनके सभी नेताओं को कि आतंकवाद को छोड़कर हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आतंकवाद हमारा हमारी पार्टी की बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। और आतंकवाद नहीं होगा तो हमारे पास वोटर कैसे आएगा? आतंकवाद नहीं होगा तो हम कैंडिडेट किसको बनाएं? क्योंकि हमारे तो कैंडिडेट ही जेलों के अंदर पड़े रहते हैं, हम तो जेल से चुनाव लड़वाते हैं उनको। तो आप बोलिए, बताओ, आप जेल की सलाखें पकड़ के चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। ठीक है राजीव जी, राजीव जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस समय ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दरअसल ये कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार किया है, चैनलों को इंटरव्यू देने का आरोप है, और ये कहा गया है कि चैनल को इंटरव्यू देकर अखिलेश ने प्रचार किया। बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ ये FIR दर्ज कराई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो FIR की कॉपी भी देखिए, अखिलेश यादव पर चुनावी आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहना है कि मतदान केंद्र के नजदीक प्रचार उन्होंने किया है। मुजफ्फर खान जी क्या कहेंगे? क्या आपको याद होगा, कोविड का समय चल रहा था और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी थूक लगा लगा के पर्चे बांट रहे थे, तो चुनाव आयोग को वो तो दिखा नहीं। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो पता नहीं ये क्या क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है मुजफ्फर खान, दर्शकों को एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं, FIR दर्ज कराई है, और क्या है पूरी खबर मेरे साथी अमित कुमार विस्तार से बताएंगे। जी अमित, ये देखिए, आज जो जिस तरह से इस पूरे मामले में जब वहां पर अखिलेश यादव वोट देने गए थे तो उस दौरान वहां पर बहुत जबरदस्त भीड़ हो गई, और सबसे बड़ी बात की जो वहां पर जो एरिया है, जो कि बूथ है, उसके आसपास इन्होंने वोट बात किया, मीडिया से बात किया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता मीटर के दायरे के बाद ही आप बात कर सकते हैं, उसकी जिस तरह बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी थे, जबकि 144 लागू है, तो ऐसे में धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ है। तो दो बातें हैं जो उप जिलाधिकारी सैताई ने जिलाधिकारी इटावा को लिखा है कि दो बातें हुई है वहां पर, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है जिसकी धारा 130 है, और धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ है। तो इस मामले में जो भी कार्रवाई है वो की जाए, इसको लेकर उन्होंने इटावा को लिखा है, जिलाधिकारी को लिखा है। तो अब इस पे क्या एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई होगी? एक तरह से जिस तरह जब वहां पर वो पहुंचे वोट देने के लिए, जिस तरह से भीड़ पहुंची, मीडियाकर्मी जैसे पहुंचे, तो वो उसको लेकर आचार संहिता को उल्लंघन मानते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें आगे कार्रवाई हो सकती है इसका। ठीक है अमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज कराई है बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ। उनका कहना है कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये लेटर हेड, और इस पर चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखते हुए शिकायत की गई है। चैनलों को इंटरव्यू देकर अखिलेश ने प्रचार किया और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। एक्सक्लूसिव जो कॉपी है वो टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये शिकायत की दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग को। ये शिकायत उन्होंने की है चुनाव आयोग से और कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल आज चुनाव का मतदान का ये तीसरा चरण और उसका मतदान का जो समय है वो अब पूरा हो चुका है। अब चौथे चरण को लेकर तैयारी है और अन्य चरणों को लेकर। लेकिन इस बीच जो चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवाद की बात कही गई, उसको लेकर जरूर अब कहा जाए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मेरे साथ में तमाम साथी जुड़े, मुजफ्फर खान जी, अजय वर्मा जी, जेपी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक देखते हैं।